Hi guys, I'm Arundhati. I'm an international badminton player. As we all know that coaches are the unsung heroes of this sport. And in this show, we are going to celebrate these heroes. We'll be knowing their journey, their views, their advices for the upcoming players. It's a little insight in the life of coaches. I'll be asking a few questions to them and I'll be sharing the timestamps with the questions in the description box below. So if you want to skip anything, you can just go and click on the timestamps below. So guys, please like, share, and subscribe to our channel. With that being said, let's get started. Today we have with us our very own Siadat Bhaiya. He's been a coach of Indian badminton team for many years. And he has seen the rise of Saina, Sindhu, Kashyap, Pranoy, Srikanth, Sai, Saurav, all the elite players. And to mention that he is basically the right hand of Gopi sir. So let's welcome Siadat Bhaiya and let's get to know him more. Hi Bhaiya. Hi Arundhati. How are you? I'm good. Theek ho. Achha Bhaiya, welcome to our show. Aur aapki journey ke baare mein batao. Okay. बेसिकली मैं एक महबूब नगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर पर, तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ. और मेरे फादर शुरू करते थे बैडमिंटन, हेल्थ के लिए खेलते थे, तो उनके साथ ग्राउंड को, उनके साथ जो क्लब था वहाँ पर रेगुलरली जाते जाते मैं और मेरे भाई इंटरेस्ट डेवलप किए. वहाँ से वहीं पे स्कूल लेवल खेलना स्टार्ट किया था पहले, अराउंड 7th क्लास में. फिर कभी महबूबनगर से बाहर कभी गए नहीं थे खेलने के लिए. फिर जब 10th खत्म हो गया तो हैदराबाद में समर कैंप ज्वाइन किया था, लाल बहादुर स्टेडियम फर्स्ट. तो जब यहाँ पे आके समर कैंप जीता मैंने, तो डैडी के फ्रेंड्स इंकरेज करे कि भाई अच्छा खेल रहे हैं तो इनको एक चांस दो एक्सपोजर का, वहां पे कोचिंग कराए तो देखते हैं. तो फिर मैं वहां से शिफ्ट हो गया, महबूबनगर से शिफ्ट होके हैदराबाद के लिए आ गया. यहाँ पर मैं अपने नाना नानी के घर में रहता था यहाँ पर, और एलबी स्टेडियम में एडमिशन लिया था मैं. तो वैसे खेलना स्टार्ट हुआ मेरा. फिर यहाँ पर भी फिर एडमिशन भी नहीं हुआ कई रीजंस के वजह से, क्योंकि एज ज्यादा था 15 ईयर्स प्लस. यहाँ पे कोचेस का कहना था कि वो एज में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं करके. फिर बाद में मेरे कोच थे गॉर्डन सर, उन्होंने वो मेरे को हेल्प करते थे, वो अकेले मेरे को देते थे. तो वैसा खेलना स्टार्ट हुआ यहाँ पर. मैं ज्यादा बड़ा एज ए प्लेयर ज्यादा लॉन्ग कैरियर तो नहीं था मेरा, सिर्फ 3 या 4 साल खेला हूँ. okay. हाँ, और मैं यहाँ पे एक बार स्टेट सेमीज खेला था, सिंगल्स और डबल्स फाइनल्स खेला था, स्टेट को रिप्रेजेंट किया हूँ, नेशनल्स में भी अच्छा ही खेल लिया था. फिर मेरा शोल्डर इंजरी था, और शोल्डर इंजरी था तो मैं सर को हेल्प करता था तब, गोवर्धन सर को, उनकी कोचिंग. तभी गोपी सर का एक प्लान था कि मतलब तब हैदराबाद का उतना रिजल्ट उतना टॉप पे नहीं था, हैदराबाद से साइना अकेली थी जो जीतती थी, बाकी के अच्छे प्लेयर्स थे, कश्यप था, गुरु तरुण खेलते थे, दूसरे सही कई थे, लेकिन आंध्र प्लेयर्स थोड़ा डोमिनेटिंग थे और महाराष्ट्र के प्लेयर्स वो लोग ज्यादा अच्छे थे. तब गोपी सर ने 2 मंथ्स का कैंप लिया था, और उसके बाद कृष्ण केतन टूर्नामेंट होता था. तो 2 मंथ के कैंप में गोपी सर ने मुझे भी पूछा कि अगर तुम भी फ्री हो तो तुम भी मुझे कोचिंग में हेल्प कर सकते हो, क्योंकि गोपी सर थे, अच्छा वैसे तो 4 कोर्ट थे. गोपी सर को लगता था कि ईच कोर्ट पे एक कोच रह के अगर फोकस करा तो अच्छा रहेगा. तो वैसे मैं कोचिंग में स्टार्ट किया. फिर उसके बाद जब रिजल्ट अच्छा आया, शायद गोपी सर का प्लान चेंज हुआ, फिर वहां से वो गचीबौली स्टेडियम हायर बेसिस था जो भी था वहां पे लिए,
तो मैं भी वहां पे उनके साथ ज्वाइन हो गया, ये सोच के कि फ्यूचर में फिर जब इंजरी चले जाएगी, क्योंकि गोपी सर जब सबके आइडल थे, अब वो कोचिंग दे रहे हैं तो सब उनके नीचे अंडर खेलना चाह पसंद करते थे। तो मैं सोचा जब कोचिंग का खत्म हो जाएगा, तो इंजरी का चले जाएगी, तब खेलना चालू करूंगा करके प्लान। ओके। फिर वैसे ही फिर अब उसके बाद इंजरी थोड़ा ज्यादा लंबा चला, उस सर्जरी बोले तो उतना फाइनेंशियल एफर्ट नहीं कर सकते थे, तो सर्जरी कराया नहीं, तो वो ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर 2 ईयर्स के करीब हो गया था। तो कोचिंग में इतना इन्वॉल्व हो गए थे कि ऐसा प्रोफेशनल खेलने को टाइम ही नहीं मिला। और जब इंजर्ड था तब एक बार रेलवे का ट्रायल्स दिया था मैंने, तो ऑलमोस्ट उसमें सेलेक्ट हो गया था। फिर गोपी सर बोल रहे थे कि अगर तेरे को और खेलना है या तो तू, तेरे को जो पे उधर मिल रहा है वो मैं भी पे कर दूंगा। तो मुझे लालच था कि चलो अभी कैरियर तो है तो अभी खेल लेते हैं, फिर सोचेंगे कि जब इंजरी जाएगा तो अच्छा खेल ले तो शायद और अच्छा कुछ कर सकते हैं, फ्यूचर में अच्छी जॉब मिलेगी। फिर तब से कोचिंग शुरू हो गया, 2004 से चालू किया। ओ भैया, बट भैया आपने जैसे बोला कि आप सिर्फ 4-5 साल ही खेले हो, तो आपका प्लेइंग करियर बहुत शॉर्ट है, तो आपको कभी रिग्रेट होता है क्या उसके बारे में? हाँ, रिग्रेट तो होता है, कभी लगता है कि शायद कोचिंग और अच्छा होता तो और अच्छा खेल पाता था। क्योंकि मैं सब छोड़ के आया था, मतलब पेरेंट्स को, मेरा होम टाइम छोड़ के स्पेशली मैं आया था खेलने के लिए। लेकिन फिर वो टाइम पे वो गाइडेंस बराबर मिला नहीं, फिर इंजुरी हो गया, तो लगता था अरे नहीं होता तो शायद कुछ कर सकते थे। बट अभी कोच बन के भी आप बहुत कुछ कर रहे हो भैया। भैया अभी आपने बोला कि 2004 से आपने कोचिंग चालू किया, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 16 इयर्स नाउ। तो डिस्क्राइब कोचिंग, व्हाट कोचिंग मीन टू यू, कोचिंग क्या है आपके लिए? मुझे कोचिंग मेरा खुद का ड्रीम है, जो मैं अचीव नहीं कर सकता हूँ ना, नहीं किया मैंने, वो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्लेयर्स वो वर्ल्ड पे बेस्ट लेवल पे जाके करें। सो मैं जब भी कोचिंग किसी को कराता हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि मैं शायद कोई मुझे कराता तो इसको प्लेयर बना सकते, अच्छा प्लेयर बनता था, और मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला कोचिंग का। तो बस कोचिंग का भी इतने साल हो गए, अभी सोचता हूँ कि 16 साल हो गए, लेकिन कभी लगा नहीं कि 16 साल हो गए करके। एवरीडे एंजॉय किया है कोचिंग, कभी ऐसा बोर नहीं हुआ है। सही है। तो भैया आप गोपी सर के साथ 2004 से हो, तो डिस्क्राइब वर्किंग विद गोपी सर, इतने सालों से आप उनके साथ में हो, कैसा है, क्या क्या सीखा है आपने उनसे? गोपी सर का अभी तक मैं कई कोचेस को देखा हूँ और थोड़े कोचेस के साथ किया भी हूँ, तो गोपी सर का कुछ अलग स्टाइल है। मतलब वो हर चीज जो हर एक प्लेयर के हिसाब से खिलाते हैं। हमारे एकेडमी में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, प्रोग्राम सबका होता है, एक ही होता है, लेकिन उसमें प्लेयर टू प्लेयर वेरी भी करता है प्रोग्राम। हमारे पास अटैकिंग प्लेयर्स है, डिफेंसिव प्लेयर्स है, रैली प्लेयर्स है, तो सबका अलग अलग प्रोग्राम है। तो भैया ऐसा बेसिकली जहां पर भी दूसरे अकेडमीज में देखता हूँ ज्यादा, सबका ग्रुप का एक ही प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए शायद 10 में से शायद 1 या 2 आ जाते हैं प्लेयर। यहाँ पे क्या है, सब एक साथ ग्रुप आ रहा है, एक एक ग्रुप बन के निकल रहा है, तो शायद सबका अलग अलग फोकस करके, सबका अलग कराने से एक ग्रुप बन के निकल रहा है। वो अभी शायद दूसरे कोचेस में शायद कम देखा हूँ। बहुत कुछ जो भी है कैरियर में, लगे कभी एक है कि कोचिंग जो भी कर रहे हैं ना, बस सबसे पहले डिसिप्लिन रहना है। अगर डिसिप्लिन अगर हम मेंटेन कर दिए तो रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा।
ये सबसे बड़ी बात है okay. क्योंकि यही चीज मैं जब अकेला जब मुझे चांस मिला ग्रेटर नोएडा जाके उसका एक सेंटर संभालने को, तो मैं सबसे ज्यादा मेरा फोकस था कि ये चीज मैं फॉलो करूं, मैं वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा तो शायद रिजल्ट आए, और अच्छा रिजल्ट भी आया जब गया था मैं। भैया आप 16 साल से कोचिंग में हो और आप बिगिनर के साथ भी आप काम कर चुके हो, आप इंटरमीडिएट को भी कोचिंग करके कर चुके हो, आप एलिट प्लेयर के साथ अभी काम कर रहे हो, सो आप मोस्टली आपने सबको कोचिंग दिया है, आपने सबके साथ काम किया है, तो भैया इन इनमें से आपका सबसे फेवरेट बैच कौन सा है और क्यों? फेवरेट बैच माने अब जैसा ये हो गया, ये श्रीकांत समीर ये लोग का जो बैच है वो लोग का बहुत छोटे, जब से वो जूनियर है तब से इधर ही ओके तो ऑलमोस्ट लाइक आपको इतने साल से वो अटैचमेंट है, वो बॉन्ड है वो प्लेयर्स के साथ, क्योंकि इतने साल रहने के बाद आपको पता लगता है कि वो कोर्ट पे कब कैसा खेल रहा है, यू ट्रेनिंग करना है, उसका मूड है नहीं है, अगर मूड नहीं है तो हम उसको कैसे हमको चेंज करना है, उनका मूड खेलने में कैसा लाना है, कभी हार गए तो अपसेट हो जाते हैं, कभी फिर उनको मोटिवेट कैसे करना है, तो ये बैच के लिए अभी इजी है उनको करने के लिए, क्योंकि आप पहले तो उनके साथ बचपन से उनके साथ काम करते हो। हाँ बचपन से उनके साथ है। बट भैया आपने नोएडा में एकदम बिगिनर के साथ भी काम किया है, अभी आप एलिट के साथ काम कर रहे हो, क्या डिफरेंस लग रहा है? जब नोएडा गया था उससे पहले एलीट बैच के साथ ही कर रहा था, और तब नोएडा गया 2017 में जब बिगिनर्स को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में बहुत मैं अपसेट ही था कि भाई फिर वापस फिर से शुरू से स्टार्ट करो, और लेकिन क्योंकि एलीट आने के बाद आपका एक सिस्टम सेट हो जाता है कि ज्यादा करना नहीं है, मतलब प्रोग्राम एक सेट हो गया तो हो जाए, लेकिन बिगिनर्स को क्या है आप ग्रिप से ग्रिप पकड़ने से शटल पकड़ने से फुटवर्क सिखाने से सब वापस शुरू करने, और छोटे बच्चे हैं तो कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते हैं, तो छोटों को बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है समझाने का, लेकिन जब स्टार्ट हो गया एक साल हो गया जब वो लोग डेवलप करना शुरू करते हैं तब जितना खुशी होती है तब एलाइट में उतनी खुशी नहीं होती है। बट ज्यादा टफ कौन सा है भैया, जूनियर बिगिनर्स टफ है कि एलाइट टफ है? एलिटी टफ है यार। बिगिनर्स को जिस पेशेंस रहना है, लेकिन एलिट्स को पेशेंस के साथ उनको हैंडल करना दिया, क्योंकि ऑन कोर्ट एक बार आप कोचिंग में आगे कोचिंग से ऑन कोर्ट क्या तक सीमित नहीं कर सकते, अगर हम लोग प्लेयर्स के साथ अगर हम लोग प्लेयर्स को पूरा अच्छा पहचानना है तो उनका ऑन कोर्ट ऑफ कोर्ट रिलेशन सब अच्छा रखना है, उन लोगों के बारे में सब चीज मालूम रखना जरूरी है, सो ऑन कोर्ट हैंडल करना ही नहीं उनके ऑफ कोर्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ता है। ओके भैया यू नो ईच एंड एवरी प्लेयर एंड यू हैव वेरी गुड रैपो विद ईच एंड एवरी प्लेयर, इसके पीछे आपका मंत्र क्या है? आप सबके साथ अच्छे हो एंड सब आपको पसंद करते हैं, व्हाट इज द मंत्र बिहाइंड इट? दस एक है कि एक तो सबसे इतना साल हो गए कि सबके साथ रह के पहला रीजन वो है, और सबको पहले आप जब भी बात कर रहे हो प्लेयर से आप पहले उनसे पॉजिटिव बात करना शुरू करो, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझो उनको, तो तब प्लेयर को खुद पे अपने कॉन्फिडेंस आता है। ओके आप पहली मीटिंग में ही बोल दिए कि भाई तुम ये खेल रहे हो ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तो उसको आधा तो लगेगा वो नेक्स्ट टाइम बोलने के लिए डरेगा, अरे अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर पॉइंट आउट करेंगे। उससे पहले प्लेयर जब खेल रहा है तो जितना हो सकता है उतना उसके साथ पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव बात करके ही उसके सामने उससे उसका पहले फीडबैक लेता हूँ कि भाई तुम लोगों को क्या फील लग रहा है, मतलब प्रॉब्लम किधर हो रहा है, तो जैसे वो थोड़े पॉइंट्स बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ये तो तुम्हारा व्यू है, मेरा मुझे लगता है कि ऐसा है, तो तब उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा,
तब उन लोगों को और अच्छा लगेगा कि भाई ऐसा, चलो हमारे कोच हमारे ऊपर उतना मतलब हर चीज पे फोकस्ड है, मेरी हर चीज मालूम है, मेरी अच्छी चीज भी पता है, मेरी खराब, मेरी जो चीज खराब है वो सब पता है, तो तब प्लेयर हमसे कोई भी चीज शेयर करने को डरता नहीं। भैया आप 16 साल से कोचिंग में हो एंड यू हैव सीन द राइज ऑफ साइना, सिंधु, कश्यप, प्रणॉय, साई, समीर, सौरव, ऑल द एलिट प्लेयर्स। आप अकॉर्डिंग टू यू उन्होंने क्या, कौन सी चीजें सही कही की है टू रीच एट द टॉप? ये सब प्लेयर्स में कैसा रहता है, एक एक चीज खास रहती है बोलते हैं जो उनको पोजीशन पे लाती है। अगर इंडिविजुअल अगर नेम लेके मैं अगर एक एक बताना शुरू किया, जैसा साइना है, ओके, वेरी गुड हार्ड वर्कर एंड वेरी गुड फाइटर। मैं मेरे खेलने की करियर से मैं उसको देखते रहता हूँ, कभी भी उसको कोर्ट पे अगर खेलना है वो कभी थकी नहीं कोर्ट पे खेलने से, कोई भी टीम कोई भी टाइम उसको खिलाने के लिए रेडी हो तो वो टाइम रेडी होती है खेलने के लिए, और कभी भी वो कोर्ट पे हारने के लिए रेडी नहीं थी, कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगी हारेगी करके। और कोई भी प्लेयर को ऐसा नहीं सोचेगी कि वो अच्छी प्लेयर है, वो सोचेगी कि मैं थोड़ा अच्छा खेलूंगी तो वो उसको मार देंगे करके। शुरू से उसका वो एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता था। और फिर अगर उसके बाद अगर सिंधु बोला, तो सिंधु में भी ऑलमोस्ट सेम नेचर है, वो भी हमेशा से मतलब फिटनेस रहने दो, जो भी रहने दो, अच्छे डिसिप्लिन रहने दो, हमेशा से हर बात सुनते रहती थी उसको। सिंधु को भी ऑलमोस्ट जब वो 10 साल के तब से खिला रहे थे उसको। वो भी एक प्लेयर में होना है कि वो अच्छे प्लेयर्स अच्छे लिजनर्स भी होना चाहिए, तो कोच का प्लेयर का रैपो भी बहुत अच्छा होता है। और अब अगर कश्यप है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत हार्डवर्किंग प्लेयर है, नेवर गिव अप तो करता ही नहीं है। उसको शायद मेरे ख्याल से मेरे अभी के जनरेशन में जितने इंजुरीज हुए हैं कई प्लेयर्स को, शायद कई प्लेयर्स है जो कमबैक नहीं कर पाते, लेकिन कश्यप एक है, एवरी टाइम फाइट करके वो कमबैक करता है। हाँ, और अगर श्रीकांत का बोला तो श्रीकांत का मुझे कोर्ट एटीट्यूड बहुत पसंद है। वो मतलब वो जीतो हारो कोई चीज को उतना बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है उसको, लगता है मुझे। वो तुम जीतो तो भी वैसे ही खुश लगेगा, हारो तो भी थोड़ी देर में फिर वैसे ही खुश लगेगा। तो कभी ऐसा प्रेशर में दिखा नहीं कि मैं ये मैच है ये जीतना है, ये मैच है ऐसा प्रिपेयर होना है, ऐसा कभी मैच है, जाना है, खेलना है, अच्छा खेलूंगा, जीत जाऊंगा, अगर गलती करूंगा तो नेक्स्ट टाइम अच्छा, वो गलती रिपीट नहीं करूंगा। तो उसके लिए कभी भी कितना भी अच्छा प्लेयर रहने दो, उसके साथ पीछे बैठ के स्ट्रैटेजी बोलने के लिए भी बहुत इजी लगता है। और प्रणय है, प्रणय का उसका एग्रेसिव नेचर बहुत है, उसका फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छा है, और ऑन कोर्ट ट्रेनिंग पे रहने दो बहुत अच्छा करता है। तो एज ये प्लेयर्स है, साई प्रणीत हो गया, वेरी क्लासी, वो हर एक खुद का स्ट्रोक खुद एंजॉय करता है, एक अच्छा स्ट्रोक खेला तो उससे खुश होता है, और वो हर चीज नया ट्राई करते रहता है। तो ये प्लेयर सब जने ये जो चीज है वो चीज को डेवलप करने का ही सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मतलब इसमें से कोई छुपना ट्रेनिंग में, ये सब नहीं। और ऐसा नहीं हर कोई है बल्कि नहीं, कई प्लेयर है बहुत अच्छे प्लेयर्स है वो कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े लोग डरते हैं तो थोड़े लोग का वो फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहता है, थोड़े लोग इंजुरी से डर जाते हैं। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन तो रहते हैं, लेकिन ऐसा किसी ऐसा लोगों को आइडियल बना के देखा जाए प्लेयर्स अगर और ज्यादा करे तो और अच्छा रहता है। एज अ नेशनल कोच अभी आप एलिट प्लेयर के साथ काम कर रहे हो विद ऑल दिस प्लेयर्स, तो उनके साथ काम करते वक्त आपको क्या चैलेंजेस आते हैं? अभी पता है कैसे रहता है, गोपी सर जब रहते हैं तो ट्रेनिंग बहुत आराम से चली जाती है,
और जब गोपी सर नहीं रहते हैं तो तब प्लेयर्स को मोटिवेट करके वही लेवल पे वो इंटेंसिटी पे करना वो एक सबसे टफ चैलेंज है। ये चीज मुझे पहले लगता था कि मतलब गोपी सर रहते ही 25 सीरीज करते हैं, हम लोग रहे तो नहीं करते। लेकिन तब जब मैं ग्रेटर नोएडा गया, जब मेरा उसमें जो सीनियर बैच था तब मैं हैंडल करता था, तब मेरे को प्लेयर्स को लगता था, मेरे दूसरे कोचेस बोलते थे सर जब आप रहते हैं तो सब प्लेयर्स का लेवल बहुत हाई रहता है, अब आप नहीं रहते हैं तो ये लोग उतना 100% नहीं करते हैं। तो तब मुझे लगा कि फर्स्ट प्लेयर को कॉन्फिडेंस होना है कि भाई जब जो कोच है वो भी मुझे वो लेवल इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करा सकते हैं और कोच का एटीट्यूड भी कोर्ट पे वैसा होना चाहिए कि बस आप प्लेयर है सही है लेकिन अब ट्रेनिंग में जो प्रोग्राम है उसको 100% करना ही। तो जब ऑफिसर नहीं है वो कराने में थोड़ा एक चैलेंज है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है सीनियर्स को कराने में। सही, ओके। सो भैया आपको एज अ नेशनल टीम कोच आपको एलिट प्लेयर्स के साथ बाहर भी टूर्नामेंट के लिए जाना पड़ता है एंड यू हैव बीन टू मोस्ट ऑफ द मेजर टूर्नामेंट्स तो और आपको उनके मेजर मैचेस के लिए भी बैठना पड़ता है तो आप वो प्रेशर हैंडल कैसे करते हो? जैसे बोले पहले तो यूजुअली जब मैच चल रहा है प्लेयर्स प्रेशर में रहते हैं। ओके, सो मैं जितना भी कोशिश करता हूँ कि जितना कम हो सका नहीं के बराबर नेगेटिव बात करूं। सबसे पहले जो स्ट्रोक खराब खेला उसके बारे में तो पॉइंटेड ना करो, लेकिन जो स्ट्रोक अच्छा खेल रहा है उसकी तो तारीफ करना है, उसको क्लैप मारना है, उसको इंकरेज करना है। और जितना हम एनालाइज कर सकते हैं सामने प्लेयर के अपोनेंट का के वो क्या गलती कर रहा है और वो अपने अपने प्लेयर को पॉजिटिव में कन्विंस करना है कि बस उधर वीक है उधर पॉइंट ले सकते हो। जब तक वो प्लेयर और कोच में अच्छा बॉन्ड नहीं है तो हम पीछे बैठ के कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे रेगुलर प्लेयर्स है तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो जो प्लेयर अपना कोचेस के अंदर कई साल से कर रहे हैं अगर वो सेम कोच बैठा तो बहुत फायदा रहता है प्लेयर्स को। भैया लेकिन आप पीछे बैठे हो और इट्स अ क्रूशियल मैच और क्रूशियल सिचुएशन, आपको भी प्रेशर आता होगा, आप वो प्रेशर हैंडल कैसे करते हो? वही ना, पता है आप सब प्लेयर मेरे प्रेशर आता है, ऑब्वियसली कोचेस को भी मुझे लगता है कि प्रेशर आता है। तो मैं जितना हो सकता है ना, ये प्रेशर का मेरा अलग है कि मैं ज्यादा सोचता नहीं, मेरा पूरा फोकस होता है कि सामने क्या गलती हो रही है, मेरा प्लेयर क्या गलती कर रहा है, सामने क्या कर रहा है। तो एक्चुअली अगर प्लेयर में जैसा बोला अगर प्लेयर सुन रहा है तो मुझे कभी प्रेशर नहीं आता, मुझे लगता है मुझे पता लग जाता है कि मतलब प्लेयर जीतेगा या हारेगा। तो उसके लिए ऐसा क्रूशियल मैच प्रेजर मैच से पहले थोड़ा अरे चलो ये अपोनेंट टफ है ये मैच निकालना है, लेकिन जब मैच में बैठता हूँ कभी उतना प्रेजर नहीं रहता। ओके, हाँ, क्योंकि एक बार मैच में इन्वॉल्व हो गया तो लगता है कि ये अपोनेंट भी वीक पॉइंट्स है, इसको भी मार सकते हैं करके ही लगता है। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप प्लेयर्स को कैसे काम रखते हो, बिकॉज सिचुएशन कभी कभी बहुत क्रूशियल हो जाता है, लास्ट पॉइंट पे प्लेयर उधर पीछे देखता है कि क्या करूं आप बताओ। सो समटाइम्स प्लेयर नीड्स दैट सपोर्ट, हाउ डू यू गिव दैट? सबसे पहली बात कि जब प्लेयर हमको देख रहा है हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारा फेस एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए सबसे पहले। ऐसा नहीं दिखना है कि हम प्रेशर में है, हमारे फेस में वैसा दिखना नहीं चाहिए। और क्रूशियल पॉइंट में मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा ये करता हूँ कि हमारे प्लेयर का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैं उसको वो खेलने पे ज्यादा कन्विंस करता हूँ, क्योंकि कोई भी प्लेयर अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट खेलने से डरता नहीं। और क्रूशियल पॉइंट में हमें चाहिए कि जो भी खेले वो कॉन्फिडेंट खेले। सो बस उनको वही रिमाइंड कराना है और कुछ वो टाइम। नाइस। सो भैया आपको लगता है कि प्लेयर्स कोचेस के एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं?
थोड़ी प्लेस करते हैं। अब सबका अलग अलग स्टाइल होगा शायद करने का, लेकिन शायद मुझे लगता है जितना करना है उतना शायद नहीं करते हैं। ओके लेकिन इंडिया में शायद पहले से सिस्टम वैसे है ही। आप अभी मोस्ट पूरे दुनिया घूमे हो फॉर द टूर्नामेंट्स, तो आपके हिसाब से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन कोचिंग सिस्टम एंड बैडमिंटन डोमिनेटेड कंट्री का कोचिंग सिस्टम? ना मुझे अभी जैसा लगता है मुझे ज्यादा डिफरेंस तो नहीं लगता है। ओके क्योंकि जब से मतलब गोपी सर ने स्टार्ट किया है ऑलमोस्ट हम लोग भी जो डोमिनेटेड कंट्रीज हैं उनको सबको मार ही रहे हैं। ये क्या है वहां पे नंबर ऑफ प्लेयर्स ज्यादा है, मतलब अगर अगर मैं चाइना ले लूं या मलेशिया इंडोनेशिया ले लूं वहां पे प्लेयर्स बहुत ज्यादा है। हमारे पास शायद सिस्टम बोलो या फिर नेक्स्ट बैच बोलो वो थोड़ा लैकिंग लगता है बस, नहीं तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे प्लेयर हैं। ओके तो अगर प्रॉपर अभी तो सब सिस्टम सही हो रहा है, अभी एक एक करके जूनियर के भी कैंप्स हो रहे हैं सब हो रहे हैं, तो आहिस्ता जब जूनियर सीनियर्स एक साथ जब खेलेंगे तभी जूनियर्स को ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो और मुझे लगता है कि मतलब जो डिसिप्लिन एक इशू होता है कई कंट्रीज का, और यूरोपियन कंट्रीज का तो उन लोगों का अलग स्टाइल है और अपना एशियन कंट्रीज अलग है। तो मेरे ख्याल से उतना मुझे चेंज नहीं लगा कि जब से ये गोपी सर का गोपी सर ने स्टार्ट किया था एक नेशनल कोच बनकर, तब से बैडमिंटन एक अलग लेवल पे चले गया। अब हम लोग अंडररेटेड कंट्रीज बैडमिंटन स्पोर्ट में हम लोग नहीं है, हम लोग भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस में ही है। सही भैया, ये नहीं एक्सपीरियंस रिसेंटली डेनमार्क गए थे हम लोग ट्रेनिंग, वहां पे वहां का सिस्टम कुछ अलग है, जैसा बहुत कम प्लेयर्स है एक सेशन में और एलाइट प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं उनका सेपरेट उनको सेपरेट इंपॉर्टेंस है। उनके 6 टॉप प्लेयर्स हैं तो उनके पूरे वीक में दो प्लेयर्स करके उनको 3-3 दिन मिलते हैं के सीनियर के साथ खेलने के लिए एक्सपोजर के लिए। और वहां पे ज्यादा कोचेस नहीं है, प्लेयर्स खुद अपने आप को फीड करते हैं, लेकिन वहां पर एक अच्छा है कि एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बहुत अच्छा मोटिवेट करके खिलाता है, या फिर मल्टी रहने दो या फिर स्ट्रोक प्रैक्टिस रहने दो, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा एनकरेजिंग करते हैं। लेकिन उनका ट्रेनिंग सिस्टम फिर अलग है, फिजिकल ट्रेनिंग वो लोग प्लेयर के ऊपर छोड़ते हैं, वो प्लेयर अपना इंडिविजुअल फिटनेस देखना है उसको क्या जरूरत है क्या नहीं है। हमारे पास वो सिस्टम नहीं, हमारे पास वैसा नहीं, हमारे पास फिटनेस भी सब एक ग्रुप में होता है। राइट, उस टाइम पे डेनमार्क में कौन से प्लेयर्स थे? ऑल द मोस्ट ऑफ द एलीट प्लेयर्स वर देयर। जब डेनमार्क हम लोग गए थे श्रीकांत सेना में कश्यप, तब विक्टर था, हैंडनसन था, रास्मस गेमके था, विटिंगस था, और यान सारे डेनमार्क के सारे टॉप प्लेयर्स थे। और विमेंस में मिया थी और लीने, दोनों जो बेस्ट है वो लोग भी थे वहां। हाँ, मल्टी शटल भी प्लेयर वन ऑन वन फीड करते हैं, कोच उनको ड्रिल दे देता है कौन सा ड्रिल करना है, वो खुद कलेक्ट करते हैं, खुद फीड करते हैं, और जो प्रोग्राम होता है उसमें भी वन ऑन वन वर्सेस टू का उनका सब ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट ट्रेनिंग वन मैक्सिमम वन एंड हाफ आवर का ट्रेनिंग सेशन है सबका, और हाई इंटेंसिटी है, लेकिन इंटेंसिटी हाई है और वॉल्यूम कम है। एज अ हिस्ट्री शोज कि अपने फॉरेन कोचेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही जा रहे हैं, आपके हिसाब से क्या रीजन है? मुझे लगता है कि जो फॉरेन कोचेस आ रहे हैं यहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो रहे हैं। ओके
क्योंकि इंडिया में जब प्लेयर अच्छा खेलता है तो उनको अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से रहने दो या बीआई की तरफ से रहने दो, लेकिन कोचेस को कुछ इंसेंटिव्स नहीं है ज्यादा. तो शायद ये वन ऑफ द रीजन है जो फॉरेन कोचेस बहुत अपसेट हो रहे हैं. मुझे लगता है कि उनके शायद बाहर सिस्टम कुछ अलग है, उनके एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, तो वो चीज उनको शायद सूट नहीं कर रही होगी. उसके लिए बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इशू होता है. बट भैया आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारे पास इंडिया में इतने सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे लेवल पे खेलने से प्लेयर्स हैं, अगर वही लोग, अगर हम जितना उनको पे कर रहे हैं वही हम हमारे सीनियर प्लेयर्स को पे करके उनकी उनका एक्सपीरियंस अगर लिए तो शायद हम और अच्छा कर सकते हैं, हमको शायद फॉरेन कोचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन हमारे लोग, हमारी गवर्नमेंट भी इंडियंस को ज्यादा पे करने के लिए रेडी नहीं है, फॉरेनर्स को ज्यादा पे करने के लिए रेडी. कि मैं अभी वही पूछने वाली थी कि आपके हिसाब से आपको लगता है क्या कि फॉरेन, इंडियन बैडमिंटन नीड्स फॉरेन कोचेस की एक्स इंटरनेशनल प्लेयर्स कैन डू अ बेटर जॉब? सी ऑब्वियसली अगर एक्सपीरियंस्ड कोच है तो हाँ जरूरत है. Okay. लेकिन अगर उनके साथ अगर हमारे इंडियन कोचेस है तो वो ज्यादा सीखेंगे, राइट? नहीं तो हर हमेशा फॉरेन कोच के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते. करेक्ट. लाइक हमारे पास गोपी सर है, गोपी सर का इतना एक्सपीरियंस शेयर करके ही हम इधर आए हैं, तो फिर अभी हम उनके साथ रहने दो, या चलो एक फॉरेन कोच सीनियर को बुलाए जिसका एक्सपीरियंस है, तो उनके साथ हमारे जो सीनियर प्लेयर्स जो छोड़ के बैडमिंटन जो जो बाहर कर रहे हैं उनको अगर इन्वॉल्व करने से शायद और अच्छा डेवलप होगा. सही भैया. ओके, ऑन दैट नोट, आपका कुछ एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस अभी तक कोचिंग में भैया आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? जब साइना और सिंधु, सॉरी साइना और श्रीकांत चाइना ओपन एक ही साथ जीते थे. यस, वो जैसा था कि पहले सब ऑलमोस्ट टीम सब छोड़ निकल गई थी, तो मैं और मधुमिता मैम थे, साइना थी, श्रीकांत थे और हमारे फिजियो थे, तो मैडम और मैं साइना के मैच को जाके बैठे. श्रीकांत का नेक्स्ट मैच था, तो एक गेम हो गया, साइना जीती पहला गेम, तो मेरे को इमीडिएटली गेम के बीच में उठ के आना पड़ा क्योंकि श्रीकांत के साथ नॉक करना था मुझे, कोई दूसरा नहीं था. Okay. फिर श्रीकांत के साथ नॉक भी कर रहा था, बीच में जाके देख रहा था साइना का स्कोर, फिर साइना जीत गए, फिर इमीडिएटली फिर श्रीकांत का मैच था और श्रीकांत भी बहुत अच्छा खेला, लिंडन को हराया वो मैच, और चाइना में लिंडन को हराना इज लाइक ग्रेट थिंग. और फिर इमीडिएटली हम ज्यादा एक्चुअली दो जो जीते उसकी ज्यादा खुशी भी नहीं मना सके क्योंकि इमीडिएटली हमारी फ्लाइट थी. Okay. हम वैसे सारा लगेज ले लेके ही स्टेडियम को आ गए थे. तो जैसा जीते प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग निकल के एयरपोर्ट भाग गए और बहुत कम टाइम में हम लोग ने फ्लाइट पकड़ा था. ओके, दैट्स मतलब बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए. हाँ. और दोनों चाइना ओपन एक टाइम पे साइना एंड श्रीकांत जीतना वाज अमेजिंग. आई नो, आई रिमेम्बर दैट टाइम. बहुत मजा आया होगा आपको. हाँ, कोच के लिए अब उससे अच्छा मोमेंट क्या होगा. जस्ट टू कंक्लूड, वेयर डू यू सी फ्यूचर ऑफ इंडियन बैडमिंटन? अभी जैसा हम लोग कर रहे हैं, अगर वैसे ही अगर डिसिप्लिन अगर मेंटेन करते हुए अगर अच्छा करें तो इंडिया में बैडमिंटन के लिए बहुत पॉपुलरिटी है क्योंकि कई प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं. नेक्स्ट जनरेशन में कई अच्छे प्लेयर्स है, लेकिन मैं एज ए कोच जब भी देखता हूँ, मतलब मैं कई प्लेयर्स को देखा हूँ जो जूनियर्स में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे सीनियर में आते हैं तो उनका कई सारा डिसिप्लिन इश्यूज की वजह से कई लोग रुक गए. जूनियर तक इंडिया के बेस्ट लेवल पे थे, सीनियर में आने के बाद कुछ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और या तो फिर कुछ इंजुरी हो जाता है. तो हम अगर हमारा सिस्टम अच्छा रखकर
ये लोग को प्रॉपरली कराए तो शायद इंडिया शायद डोमिनेट पूरे वर्ल्ड में भी डोमिनेट कर सकता है. ग्रेट भैया, ग्रेट टॉकिंग टू यू. और मुझे पर्सनली आपके साथ बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं एंड बहुत मजा आया है. मेरा मेरा प्लेइंग करियर में आपके साथ प्रैक्टिस करते आपके साथ खेलते वक्त मुझे बहुत मजा आया. यू हैव बीन देयर फॉर मी एंड आई हैव सीन यू ग्रो एज अ कोच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स भैया. एंड डोंट चेंज, अब जैसे हो वैसे बेस्ट. थैंक यू बताने. तू अपने एक्चुअली पूरे इंटरव्यू में मुझे तेरे बारे में नहीं पूछा तूने. अभी क्योंकि यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेट. ओके, तो और मैं भी जब कोचिंग में नया ही था जब इस मैंने चालू भी किया था तो और तो मतलब मैंने उससे पहले प्लेयर्स को जब भी देखता था तो कोई प्रॉब्लम होता तो पेरेंट्स से शेयर करने पेरेंट्स उनके पास रहते थे. लेकिन तू पहली प्लेयर थी जो कुछ भी रहा तो एटलीस्ट मैं रहता था मेरे से शेयर करती थी या गोपी सर के साथ शेयर करती थी तो मुझे तब लगता था चलो भाई मैं अकेला ही नहीं था, मतलब कई लोग हैं जो इतना कर रहे हैं लेकिन मेरा अचीवमेंट उतना रहता है. लेकिन तू जब बेस्ट थी इंडिया में तब और तेरे को कोचिंग करा के मुझे मतलब प्राउड फील होता था भाई ये जब जूनियर से आई अब कहां से कहां चली गई. So, तेरा भी बहुत डिसिप्लिन अच्छा था हर चीज में. तो बोल रहा ना हर एक का मतलब अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कोचिंग का. कई सारे लाइफ में कई प्लेयर्स आते हैं, हम कई सारों को सोचते हैं कि ये कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कुछ हो जाता है. तो वैसा है बस. और अब तुम लोग कोचिंग में साथ दे रहे हो तो और अच्छा लगता है बस. क्योंकि क्योंकि दो जो प्लेयर जो आपके साथ कुछ प्लेयर को आप ट्रेन कर रहे हैं वो आपके साथ है तो आप आपको हेल्प के लिए और आप और स्ट्रॉन्ग फील करते हो. क्योंकि भाई तो आपको भरोसा होगा भाई नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है और जो लड़की लोग आ रहे हैं कोई क्योंकि अपने पास इंडिया में लेडीज कोचेस बहुत कम है. अब तुम लोग आ रहे हो तो लगता है चलो क्योंकि गर्ल्स हर चीज तो शेयर नहीं कर सकते हम लोग के साथ. जब तुम लोग हो तो वो लोग तुम लोगों को कन्वे करते हैं तो हम लोगों तक पता लगती है तो हम और अच्छा कर सकते हैं. सही है. चलो अच्छा है तुम लोग लोगों को सपोर्ट कर रहे हो अभी कोचिंग में वो तो सबसे बड़ी खुशी है. और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे इस बैच में या और आगे के बैच में उससे पहले के बैच में कई प्लेयर्स अगर वापिस आके स्पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं तो इंडियन बैडमिंटन तो बहुत अच्छी लेवल पे जाएगा. सही है भैया, एकदम सही. थैंक यू सो मच भैया. थैंक यू बंताड़े.